हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पेपर फर्स्ट बीए थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग यानी कि वस्त्र परिधान है उसका अध्ययन करेंगे। यूनिट सेकंड, आज हम यूनिट सेकंड से देखेंगे कताई तथा धागे का निर्माण कैसे होता है। देखिए जो कताई है, वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया का सर्वप्रथम सोपान क्या होती है? कताई की क्रिया है, ठीक है। लेकिन कताई तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं कि धागे का निर्माण कैसे होता है। धागे की प्रथम इकाई क्या होती है? रेशे, और रेशों से ही धागों का निर्माण होता है। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं रेशों का निर्माण क्या होता है, रेशों का निर्माण कैसे होता है, रेशे से धागे का निर्माण। विभिन्न वर्ग के वस्त्रोपयोगी रेशों की लंबाई अलग अलग होती है। कुछ वर्ग के रेशों की अत्यंत कम होती है, तो लंबाई है कपास का रेशा आधे इंच से ढाई इंच तक तथा ऊन का रेशा एक इंच से आठ इंच तक का होता है। यानी कि जो विभिन्न वर्ग के वस्त्रों के होते रेशों की लंबाई क्या होती है? अलग अलग होती है। जो अलग अलग हर रेशा हो गया, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था, रेशे अलग अलग होते हैं, प्राकृतिक रेशे होते हैं, कृत्रिम रेशे होते हैं, उसमें ही मानवगत रेशे होते हैं। तो आप वो वाली वीडियो दोबारा एक बार देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि रेशे कौन कौन से होते हैं प्राकृतिक, तो उसमें आपको सारा टॉपिक फिर से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विभिन्न वर्ग के वस्त्रों उपयोगी रेशों की लंबाई अलग अलग होती है, यानी जो अलग अलग वर्ग के वस्त्र बनते हैं, जैसे कि कपास से बनता है, ऊन हो गया, ऊन का रेशा अलग हो गया, और इसके अलावा सिल्क हो गया, जो सिल्क का रेशा होता है वो सबसे ज्यादा लंबा होता है। उसके अलावा लिनन, रेयन, नायलॉन, इस प्रकार से काफी रेशे हैं जिन रेशों की लंबाई क्या होती है? अलग अलग होती। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि विभिन्न वर्ग के वस्त्रों उपयोगी रेशों की लंबाई क्या होती है? अलग अलग होती है। कुछ वर्ग के रेशों की लंबाई क्या होती है? अत्यंत कम होती है। और कुछ रेशे ऐसे होते हैं जिनकी लंबाई बहुत ही ज्यादा कम होती है, ठीक है। और कुछ वर्ग के रेशे ऐसे होते हैं जिनकी लंबाई बहुत ही अत्यधिक और लंबे होते हैं। जैसे कि जो कपास का रेशा है वो आधे इंच से ढाई इंच तक का होता है, और जो ऊन का रेशा है वो एक इंच से आठ इंच तक का होता है। और इसके अलावा जो कपास का रेशा होता है इसकी क्या विशेषता है? कपास का रेशा ठंडा होता है, नहीं, जो कपास का रेशा होता है वो ठंडा होता है, इसलिए हम क्या करते हैं गर्मी में अधिकतर कपास के वस्त्रों का यूज करते हैं। इसे कॉटन कहा जाता है, तो हम कॉटन का वस्त्र ही यूज करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक तो शीतलता प्रदान करता है और उसके अलावा नमी के शोषण की शक्ति से वो परिपूर्ण रहता है। और जो सिल्क का रेशा होता है, सिल्क का रेशा किसके लिए जाना जाता है? सिल्क के रेशे में चमक बहुत ज्यादा होती है और चिकनाहट भी काफी रहती है सिल्क के रेशे में, ठीक है। तो इसके अलावा जो रेशों से धागे का निर्माण है, इसमें दो प्रकार के रेशे होते हैं, स्टेबल फाइबर पहला और फिलामेंट। स्टेबल फाइबर कैसे होते हैं? ये रेशे अत्यंत छोटे होते हैं जिन्हें स्टेबल कहते हैं। यानी कि स्टेबल फाइबर कौन से होते हैं?
भी ज्यादा छोटे रेशे होते हैं। उन्हें जो रेशे अत्यधिक छोटे हुए उन्हें क्या कहा जाता है? स्टेपल कहा जाता है। ठीक है, सिल्क के अतिरिक्त सभी प्राकृतिक रेशे स्टेपल ही कहे जाते हैं। यानी कि जो सिल्क का रेशा होता है सबसे अधिक लंबा होता है, और सिल्क के रेशों के अलावा जो रेशे होते हैं वो कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। तो जो सिल्क का रेशा क्या कहलाया जाएगा? सिल्क के अतिरिक्त जो रेशे आएंगे वो स्टेबल फाइबर कहा जाएगा। तो स्टेबल फाइबर में क्या है? सिल्क का रेशा नहीं आएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि सिल्क के अतिरिक्त सभी प्राकृतिक रेशे, यानी सिल्क के अतिरिक्त जो जितने भी रेशे वो किसमें आएंगे उनको कहा जाएगा स्टेबल फाइबर। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टेपल फाइबर कौन से होते हैं, तो सिल्क के रेशों के अलावा जितने भी आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, आप वाली वीडियो देख लेना और उनको याद कर लीजिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। सिल्क के अतिरिक्त जो रेशे होंगे वो स्टेपल फाइबर कहलाए जाएंगे, और इन छोटे रेशों से जो धागे बनते हैं उनको क्या कहा जाता है? स्पन यार्न कहलाते हैं। यानी कि जो स्टेबल फाइबर कैसे होते हैं? ये अत्यंत छोटे रेशे होते हैं, और इन रेशों को क्या कहा जाता है? इन छोटे रेशों से जो धागे बनते हैं उनको स्पन यार्न कहलाते हैं, यानी स्पन यार्न वो कहा जाता है। स्टेबल फाइबर स्पन छोटे होते हैं परंतु आपस में सटकर ये लंबे धागे का रूप धारण कर लेते हैं, और जो नन्हे रेशे होते हैं, नन्हे रेशों से बने धागे क्या कहलाते हैं? स्पन यार्न कहलाते हैं। इन नन्हे रेशों में आपस में लंबे धागे का रूप धारण करने की क्षमता होना अनिवार्य होता है। यानी जो छोटे छोटे रेशे होते हैं उनको जोड़कर भी हम क्या कर सकते हैं? बड़े रेशे बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या कृत्रिम रूप में आ जाते हैं, लेकिन जो स्टेपल फाइबर छोटे छोटे होते हैं वो अपनी प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं। किसी किसी नन्हे रेशों में प्राकृतिक घुमाव होता है, यानी लेकिन जो रेशे होते हैं उनको आपस में सटाया जाता है तो सब में घुमाव दिया जाता है जिससे वो अधिक मजबूत हो जाते हैं, और उनमें आपस में सटने की और में आपस में सटने का गुण रहता है। इन सभी कारणों से ऊन आदि के रेशे सहज ही धागे में परिणित हो जाते हैं, और जो या जो ऊन के धागे होते हैं वो जल्दी ही सहज रूप से आपस में सट जाते हैं। छोटे रेशों से बने धागों की विशेषता ये होती है कि उन पर रेशों के छोर ऊपर की ओर निकले रहते हैं, और जो छोटे धागे होते हैं, छोटे रेशे होते हैं, इनसे तैयार वस्त्र की ऊपरी सतह कैसी होती है? रोएदार बन जाती है, जिसके कारण ये त्वचा से चिपकते नहीं। यानी छोटे रेशों से जो वस्त्र बने होते हैं वो रोएदार होते हैं, जो कि त्वचा से चिपकते नहीं है। गर्म या आर्द्र मौसम में चिकनी सतह वाले कपड़ों से अधिक ये आरामदायक होते हैं। इनके कुछ अवगुण भी होते हैं। ठीक है, इनके अवगुण क्या है कि इनके कपड़ों की सतह पर मंद रोएदार रूप आ जाता है, यानी कि जो रोए निकल जाते हैं वो कैसे वस्त्रों में निकलते हैं? जो छोटे फाइबर से बने हुए वस्त्र होते हैं उनमें रोए निकल जाते हैं। इसके अलावा इनमें चिकनापन कम रहता है और ये रोए कभी कभी झड़ने भी लगते हैं, और कभी कभी इन रोए की गुठली भी बन जाती है। आपने देखा होगा बहुत से वस्त्र बन जाते हैं, आपस में गुठली का रूप ले लेते हैं। इसलिए इनकी परिसज्जा की सीजिंग विधि से तेज ब्लेडों जो तेज ब्लेड होते हैं उनकी सहायता से कान छाट कर दी जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं फिलामेंट धागे कौन से होते हैं। ये रेशे अविरल लंबाई के होते हैं। सभी कृत्रिम रेशे अविरल लंबाई के होते हैं, यानी कि जो फिलामेंट होते हैं कैसे होते हैं? अविरल लंबाई के होते हैं। देखिए, स्टेपल फाइबर और फिलामेंट फाइबर में क्या अंतर है? स्टेपल फाइबर क्या होते हैं? छोटे छोटे रेशों से बने धागे को कहा जाता है। फिलामेंट क्या होता है? ये अधिक लंबाई होती है, इनकी जो लंबाई होती है अत्यधिक लंबे होते से दिखाई है इसमें।
ये रेशे अभिनय लंबाई के होते हैं और जो सभी कृत्रिम रेशे यानी कि फिलामेंट में क्या आएगा, जो कृत्रिम रेशे होते हैं मोस्टली, ठीक है, सभी कृत्रिम रेशे अविरल लंबाई के होते हैं और जो सिल्क का रेशा भी फिलामेंट के रूप में रहता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो सिल्क का रेशा होता है सबसे अत्यधिक लंबा होता है तो वो फिलामेंट के रूप में होता है। या अगर कुछ एग्जाम्पल पूछा जाए तो उसमें हम क्या कह सकते हैं, सिल्को फिलामेंट के रेशे के रूप में यूज किया जाता है या फिलामेंट के रूप में होता है या फिलामेंट फाइबर कहा जाता है सिल्क के रेशे को, ठीक है, सिल्क का रेशा भी फिलामेंट के रूप में रहता है। और इसके अलावा ये रेशे कैसे होते हैं, इन्हें इकहरे दोहरे या बाउंड भांज के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन धागों क्या कर लिया जाएगा, इकहरा कर लिया जाएगा, दोहरा या मल्टीपल कर लिया जाता है। चूंकि लंबी रेशों से बने धागे की सतह पर पूरी लंबाई में कम छोर निकले रहते हैं, फलता क्या होता है, जो लंबे रेशे होते हैं इनसे बने कपड़े कैसे होते हैं, चिकने होते हैं और इनकी सतह चमकदार होती है, इसलिए फिलामेंट के जो फाइबर होते हैं इनसे बने निर्मित जो वस्त्र होते हैं वो कैसे होते हैं, चिकने होते हैं, चमकदार होते हैं और जल्दी गंदे नहीं होते, यानी कि ये साफ रहते हैं और आसानी से इनकी धुलाई की जा सकती है, ठीक है। तो अत्यधिक लंबाई के कारण ऐसे रेशों से बने धागे अपेक्षा कैसों के चिकने होते हैं, क्योंकि उनकी सतह पर कम ही संख्या में रेशों के सिर रहते हैं, यानी कि फाइबर एंड कम रहते हैं। चिकनी सीधी सतह होने के कारण ऐसे लंबे फिलामेंट से निर्मित धागों में क्या होती है कि स्वतः ही चमक आ जाती है, और चिकनी सतह के कारण धूल कण क्या होते हैं, इन वस्त्रों में फंस नहीं पाते हैं तथा फिलामेंट से बने वस्त्र जल्दी गंदे नहीं होते हैं। लंबे रेशों के कारण इनकी मजबूती भी कुछ अधिक होती है, यानी कि रेशे बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं। सिल्क का रेशा क्या होता है, ऐसा ही लंबा फिलामेंट होता है। एक कीड़े के द्वारा बने एक कुकून पर जो रेशा लिपटा रहता है वही उसकी पूरी लंबाई होती है। आपको कुकून से याद आया होगा, मैंने कुकून कहाँ पढ़ाया था, जो कपास वाला चैप्टर था जिसमें कुकून से ही कपास निर्मित होता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको कुकून के बारे में बताया, सॉरी कुकून कौन सा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, सिल्क वाले, उसमें जिसमें सिल्क का निर्माण कैसे हुआ था, सैतूत के पेड़ में क्या होते हैं, सिल्क के कीड़े पाए जाते हैं, ठीक है, उसी से फिर कुकून की उत्पत्ति होती है और फिर धीरे धीरे जो रेशम का निर्माण होता है। तो ठीक है, सिल्क फिलामेंट प्राकृतिक रेशों में सर्वाधिक लंबाई वाला होता है। मानवकृत तथा रासायनिक दोनों प्रकार के कृत्रिम रेशों की लंबाई इच्छा अनुसार तथा आवश्यकता अनुसार ही रखी जाती है। जैसे ही हमको वस्त्र बनाने पड़ते हैं उस हिसाब से हम क्या करते हैं कि लंबाई को ले लेते हैं। स्टेपल फाइबर से जो बने वस्त्र होते हैं वो अलग बनाए जाते हैं, जो फिलामेंट वाले धागे होते हैं जिनमें अधिक लंबे रेशों का यूज होता है, धागों का यूज होता है, वो बस अलग निर्मित होते हैं। देखिए आज हमने क्या पढ़ा, धागे का निर्माण। तो धागे का निर्माण कैसे होगा, रेशे, सबसे पहले रेशों का निर्माण हुआ, रेशे कैसे बनते हैं, रेशों से धागे का निर्माण। इसमें हमने देखे रेशे कितने प्रकार के हैं, पहला स्टेपल फाइबर और दूसरा है फिलामेंट। नेक्स्ट क्लास हम लेंगे तो हम उसमें देखेंगे वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।